मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। इसके साथ ही जैसे जैसे प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बयानबाजी का दौर भी अपने चरम पर पहुंच रहा है। दोनों ही दल एक दूसरे को घेरने में कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। वहीं आए दिन नेता मंत्रियों से अमर्यादित भाषा सुनने को मिल रही है। राजनेता अपनी मर्यादा भूलकर एक दूसरे के खिलाफ बिना सोच समझे बयान दे रहे हैं। उपचुनाव जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं, नेता अपना आपा खोते जा रहे हैं। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे लाखन सिंह ने सिंधिया और शिवराज के विरुद्ध अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है। ग्वालियर में उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, वे कांग्रेस द्वारा जनता के साथ गद्दारी करने के शिवराज के बयान पर जवाब दे रहे थे। देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी में एक भाड़ था जो हमेशा भाड़गिरी किया करता था पूरे प्रदेश में। अब एक की जगह दो हो गए मल्टीपर्पज। तो मैं उनके ग्वालियर में जितने भी उन्होंने दौरे किए, दोनों की बातें, दोनों के स्पीच, दोनों के स्टेटमेंट मैंने पूरी तरह गंभीरता से सुनी। वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हमें उस पर नहीं जाना। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं और मैं इतना जानता हूं कि ये ग्वालियर चंबल सर ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जनता, यहाँ ग्वालियर चंबल में 16 सीट का चुनाव हो रहा है और 16 की 16 सीटें कांग्रेस जीतेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के नटवरलाल चाहे कितनी भी भाड़गिरी करते रहें यहाँ, लेकिन ये यहाँ की जनता स्वाभिमानी जनता है, गद्दार और धोखेबाजों को कभी पसंद नहीं करती है। 100% कांग्रेस। वो तो ये कह रहे हैं गद्दारी उन्होंने नहीं, आप लोगों ने की जनता के साथ। ये तो जनता, मैंने वही कहा ना, ये तो जनता तय करेगी और जिस दिन रिजल्ट आएंगे उस दिन आप लोगों को भी समझ में आएगा कि कौन गद्दार था और कौन वफादार था। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में जनता इस बात का जवाब देगी कि आखिर गद्दार लाखन सिंह है। उन्होंने शिवराज और सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा, दोनों नटवर लाल कितनी भी नौटंकी कर ले, जनता सब समझती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज, ग्वालियर।